हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम रीना है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये सेफ्टी कैप बनाना बताऊंगी अपने वीडियो में। जैसे कि अभी कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो जरूरी सामान लेने के लिए हमें कहीं बाहर तो निकलना ही पड़ता है, इसलिए हम ऐसी कोई कैप बना लें तो उसको पहन के ही बाहर निकलें, जिससे कि हमारे बालों का प्रोटेक्शन होगा। को बनाना भी बहुत इजी है, तो चलिए बनाना अभी शुरू करते हैं। तो कैप बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इस कपड़े का हमारा मेजरमेंट है यहाँ से 9 इंच है, इस साइड से भी हमारा 9 इंचेस है। अब इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, एक फोल्ड आएगा हमारा और दूसरा फोल्ड हमारा ऐसे आएगा। ये फोल्ड लगाने के बाद हम यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक 3.5 इंच 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ सेंटर में भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये निशान को ऐसे राउंड में हम मिला देंगे। ये हमारा ऐसे राउंड बन गया है, ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है, एक हमारा ये सर्कल सा बन गया है। ये सर्कल काटने के बाद हम एक कपड़ा और लेंगे। ये कपड़ा हमारा यहाँ से यहाँ तक इसका माप 6 इंचेस है और इस साइड से हमारा ये 23 इंचेस है। इस कपड़े की भी हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम दो स्ट्रिप्स ऐसे काटेंगे, ये हमारी 1.5 इंच चौड़े में है और लंबे में हमारी है 8 इंचेस। तो दो स्ट्रिप्स हम इसी मेजरमेंट की काटेंगे। अब हम सबसे पहले ये पीस रेडी करेंगे। ये पीस हम पहले ये साइड लेंगे, इसको कपड़े को हम ऐसे एक बार फोल्ड कर लेंगे और फिर दूसरी बार फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पूरे में हम सिलाई लगाते हैं यहाँ तक। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद हम ये जो स्ट्रिप्स है इसको रेडी करेंगे। तो इसको हम ऐसे एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हम ऐसे करके, ये फोल्ड ऐसे करके सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो दोनों स्ट्रिप्स को मैं अभी रेडी करती हूँ। अब हमारी ये स्ट्रिप्स भी रेडी हो गई है। इसके बाद हम ये जो सिलाई लगाई थी ये कोने को अभी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम दूसरा फोल्ड ऐसे लगाएंगे। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है। इसके बाद हमने ये स्ट्रिप्स जो बनाई है इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी मैं पिन लगाती हूँ। ये देखिए हमारा ऐसे बन गया है, ऐसे ये स्ट्रिप्स हमारी ऐसे है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, यहाँ पे हम दो सिलाइयां लगाएंगे जिससे ये हमारी अच्छे से बैठ जाए। इस साइड भी हम ऐसे ही लगाएंगे। अब हमारी ये दोनों स्ट्रिप्स भी लग चुकी हैं, ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारे ये पीस रेडी हो चुका है, इसके बाद हम इसके ऊपर इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे एक कोने पे मैं निशान लगा लेती हूँ ऐसे। उसके बाद हम ये जो हमारी पट्टी बनी है इसका जो हमारी ये उल्टी साइड है, इस साइड हम यहाँ ये निशान लगाया यहाँ पे मैं रखूंगी। ये मैंने इस साइड में पिन लगा दी है और ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा आगे करके पिन लगाते जाएंगे। ये मैंने दूसरी पिन लगा दी है। अब इसको हम इसके साथ ऐसे आगे थोड़ी दूरी पे यहाँ पे पिन लगा लेंगे। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए राउंड में ये सारी पिन लगा के सेट करते हैं कपड़े को। अब देखिए ये सारी पिन मैंने ऐसे लगा दी है राउंड में। अगर हमारा थोड़ा सा आगे पीछे कपड़ा हो जाता है तो उसे एक साइड से हम खींच के बराबर कर सकते हैं। अभी हम जैसे पिन लगाए हैं उसी तरह से सिलाई लगा देंगे ऐसे राउंड में। देखिए अभी सिलाई मैंने लगा दी है ऐसे। ये जॉइंट हमारा ऐसे आया है एक के ऊपर, ये ऐसे। अब हमारा ये राउंड में आया है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐसे कट लगा लेंगे सिलाई के पास में, जिससे कि हम सीधा इसे करेंगे तो एकदम बराबर आएगा हमारा। पूरे में हम कट लगाते हैं। अब ये साइड में मैंने कट लगा दी है। अब हम अपनी कैप को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद हमारी सेफ्टी कैप ऐसे बन गई है। ये हमारा फ्रंट में आएगा जब हम सर में डालेंगे और ये हमारा बैक में आएगा, यहाँ से हम ऐसे बांध सकते हैं।
अब देखिए हमारी कैप रेडी है। अभी हम पहनेंगे कैसे, जैसे कि हमारा ये हेड है तो यहाँ पे हम ऐसे इसको पूरा बराबर आ जाएगी हमारी, ऐसे देखिए ऐसे आ गई है, पूरे हेड में आ जाएगी हमारे। और ये हमारी बैक साइड है, यहाँ पे हम बांध लेंगे इसे अच्छे से, तो हमारे सिर की बालों की एकदम सेफ्टी हो जाएगी। देखिए अभी हमारी कैप बनके रेडी हो गई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।